रानी चटर्जी पहुंच चुकी हैं बिहार। बिहार में भी वो कहाँ है? जी हाँ, आरा में। आरा में कहाँ? जहाँ पवन सिंह का घर है। जी हाँ, आपको बता दें कि पवन सिंह के घर के नज़दीक ही रह रही हैं रानी चटर्जी। वैसे पवन सिंह के कहने पर ही रानी चटर्जी मुंबई से आरा आई हैं। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों एक साथ कई गानों में नज़र आएंगे। जी हाँ, जैसे बोलबम के गाने हो गए, साड़ी पर का फोटो हो गया, और कई ऐसे गाने हैं जिसमें ये दोनों साथ नज़र आएंगे। और साथ ही साथ इस वक्त रानी चटर्जी को पवन सिंह की बहुत ज़रूरत है। जी हाँ, जिस तरह से आपने देखा पिछले दिनों लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल होते होते काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी रानी चटर्जी, और उनकी अर्जी भी स्वीकार कर ली गई है मुंबई पुलिस द्वारा। और वो धनंजय सिंह जिन्होंने इनके ऊपर इतना ज़्यादा अभद्र टिप्पणियाँ की हुई थी, ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे, इस वजह से रानी चटर्जी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन होम में चली गई थी। और ये सब डिप्रेशन के लिए आप तो जानते हैं पवन सिंह, जो कि यारों के यार है, जब भी उन्होंने देखा कि उनकी सबसे प्यारी हीरोइन को आज उनकी ज़रूरत है, तो पवन सिंह ने सीधे रानी चटर्जी से ये कहा कि तुम बिहार आ जाओ, यहाँ पर बहुत सारे काम है, तुम काम करोगी तो डिप्रेशन अपने आप चला जाएगा। और इसलिए रानी चटर्जी पहुँच चुकी हैं आरा, और आरा में आपको बता दें शूटिंग स्टार्ट भी हो चुकी है कई गानों की, और साथ ही साथ बोलबम के एल्बम की भी। साड़ी पर का फोटो जल्द ही आ जाएगा, 3 दिन में ही कहा जा रहा है कि 3 दिन में ही यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा, और जल्द ही ये दोनों एक मूवी में भी साथ नज़र आएंगे। जी हाँ, सुनने में आ रहा है कि पवन सिंह अपनी फिल्मों की भी शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, और पूरी तरह से लॉकडाउन का जो रूल है उसे निभाते हुए। और पवन सिंह ने ये भी कहा है कि वो जल्द ही अपने फिल्मों के साथ साथ ऐसे ही एल्बम्स बुलाते रहेंगे, और हो सकता है इनकी एक बड़ी फिल्म में रानी चटर्जी इनके साथ नज़र आ सकती हैं। तो रानी चटर्जी और पवन सिंह आजकल आरा में ही हैं, और जल्द ही आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए वो ऐसे गाने लाते रहेंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।